हेलो स्टूडेंट्स, खाद्य सेवा प्रबंधन इकाई 6 के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस इकाई के पिछले भाग में हमने भोजन, जो खाद्य प्रबंधन आपकी इकाई है, इसमें हमने भोजन क्या है के बारे में, भोजन क्या है पढ़ा, और गुणवत्ता क्या होती है, गुणवत्ता क्यों आवश्यक है, किस प्रकार से गुणवत्ता मेंटेन करके रखी जाती है, और भोजन जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, और इसके अलावा जब कोई चीज़ भोज्य पदार्थों का क्रय किया जाता है किसी प्रतिष्ठान में, तो वो किस किस आधार पर किस किस प्रकार से किया जाता है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ हमने पढ़ा। इस इकाई में हम मुख्य रूप से वितरण विधियों, भंडारण के प्रकारों, और इसके अलावा कुछ लागत, किस प्रकार से किसी भी प्रतिष्ठान में लागत को निकाला जाता है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वितरण विधियाँ। भोजन जो भी आपका भोज्य पदार्थ है उसके आधार पर ही वितरण विधियों को अपनाया जाता है। वितरण के लिए जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका निर्धारण किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा ताजे फल, ये फल हैं और सब्जियाँ हैं, ये लकड़ी के डब्बों में आती हैं, ये आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा। और दूध से बने हुए उत्पाद या दूध एक मोटी पॉलिथीन होती है, उसके पैकेट में आते हैं। पनीर है, मक्खन है, इनकी पैकेजिंग भी इसी प्रकार से होती है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, लाइक मांस और मछली अगर ले रहे हैं, तो आप इसको आइस बॉक्सेस में लेते हैं, क्योंकि इनका खराब होने का चांस वेज जो आपके वेजिटेरियंस हैं या वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इनके अपेक्षा इनके खराब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और इन्हें फ्रीज़र ही किया जाता है और फ्रीज स्टोरेज ही किया भी जाता है घर आके भी, या फिर अपने पास खरीदने के बाद ही। और अनाज हैं, आटा, दालें हैं, इनकी आपने देखा होगा पॉलीथीन में पैक्ड आते हैं, कुछ खुले भी मिलते हैं ओपन मार्केट में, तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इनको पैक किया जाता है। इसके अलावा तेल, घी, इनकी पैकिंग कुछ ज़्यादा मजबूत की जाती है, क्योंकि अगर जरा सा भी कहीं से लीकेज होगी तो उनके बाहर आने का खतरा रहता है। वितरण प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है? वितरण प्रक्रिया के लिए जिससे आपने जो भी आपका आपूर्ति करता है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको एक डेट दी जाती है कि इस डेट को आपको सामान की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर वो आपको सामान पहुँचा देता है। इसके अलावा जैसे आपके साथ आपके पास आप क्रय कर रहे हैं, आपके पास सामान आ गया, तो आपने वो भंडार को दे दिया, जिससे कि उसको संग्रहित अच्छे से एज पर रूल्स या फिर जो भी उनके निर्देश हैं उनके हिसाब से उनका संग्रह किया जा सके। उसके बाद जब भी आपको सामान लेना होगा तो आप स्टोर से सामान इशू करा के अपने पास रख लेते हैं। अब बात करते हैं भंडारण की। भंडारण जो छोटी इकाइयाँ हैं उनमें तो भंडारण इतनी बड़ी समस्या नहीं है और इतने ज़्यादा बड़े स्तर पे नहीं किया जाता है, कि वे व्यक्ति जो इस प्रकार के बिजनेस में हैं या छोटी छोटी इकाइयाँ रन कर रहे हैं, वो लोग उतना ही ज़रूरत का सामान लेते हैं जिसको कि वे उपयोग कर सकें। बात करते हैं बड़े प्रतिष्ठानों, बड़े होटल्स वगैरह की या बड़े रेस्टोरेंट्स की, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान उनको स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी समय उसकी किसी भी सामान की आवश्यकता हो सकती है, तो उस समय वह क्रय करना मुनासिब नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए फ़ायदा यही है, उचित यही रहता है कि उसका स्टोरेज किया जाए। तो दो प्रकार से खाद्य पदार्थों का भंडारण किया जा सकता है, जैसे अनाज हैं, अनाज से बने उत्पाद हैं, दालें हैं, चीनी, मसाले या डब्बाबंद पदार्थ हैं, वसा, तेल, इनको एक ड्राई रूम में रखा जाता है, सूखा भंडारण कक्ष, और ख़राब होने वाले पदार्थ जिनको कि फ्रिज की आवश्यकता होती है, जैसे कि नॉन वेज और जो आपके फ्रोजन आइटम्स हैं उनको, उनके लिए कम तापमान के भंडारण, तो इस प्रकार से दो प्रकार से इनका स्टोरेज किया जा सकता है। जो ड्राई स्टोरेज है उनमें वेंटिलेशन होना चाहिए और प्लस लाइट अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपको देख सके कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, और अच्छा वायु संचालन, जैसे मैंने बताया वेंटिलेशन एक तो सामान को ख़राब होने से रोकता है, दूसरा एक टेम्परेचर को बनाए रखने में भी मदद करता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर को। और पता जब भी आप इस सामान को स्टोर करें तो ध्यान रखें कि वो भली भांति से स्टोर किया हुआ हो, इधर उधर ना फेंका जाए, क्योंकि इससे सामान को नुकसान होने के चांस बहुत रहते हैं।
भंडारण की प्रक्रिया, सामान प्रक्रिया क्या होती है इसको देख लेते हैं। जैसे भंडारण किस प्रकार किया जाता है, लाइक आपका अनाज है या दाल है, मोटा चीनी है, आटा है, चावल है, इस प्रकार से कोई भी कट्टों में, बोरों में जो सामान आता है उसको ढेर बना के रखा जाता है, क्रॉस करके ढेर बनाया जाना चाहिए। क्रॉस करके ढेर लगाने का कारण ये है कि इससे उसके बीच में एयर सर्कुलेशन होता रहता है। दूसरा, अगर कोई भी सामान आपने खोल दिया है, लाइक उसकी जो पैकेजिंग थी नेचुरल, जो वहाँ से पैकेज ओरिजिनली पैक धो के आया था, अगर आप वो पैकेजिंग खोल चुके हैं तो उसको तुरंत ही किसी एयर टाइट डब्बे में या एयर टाइट बॉक्सेस में खाली करके ही उसका स्टोर करें उसे, अन्यथा वह खराब हो जाएगा। और दूध वगैरह है या दूध के प्रोडक्ट्स हैं उनको तुरंत ही फ्रीज़र में डालना, मतलब फ्रीज कर देना चाहिए, फ्रीज़र उसके लिए यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि दो प्रकार से स्टोरेज है, एक ड्राई स्टोरेज और दूसरा फ्रीज स्टोरेज। और जैसे आपके सूखे फल हैं जो ड्राई ड्राई फ्रूट्स हैं, और संरक्षित कोई चीज़ें हैं जैसे अचार है, जैम है, मुरब्बा है, इन चीज़ों के लिए जार का उपयोग किया जाना चाहिए इनको संरक्षित करने के लिए। सब्जी और फल दोनों को अलग अलग संग्रहित करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी जड़ वाली सब्जियां हैं, ठीक है। अगर जड़ वाली सब्जियां आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको फलों के साथ ना रखें, अन्य सब्जियों से भी उन्हें अलग रखें। तेल है आपका या फिर अन्य घी वगैरह, तेल वगैरह कुछ है तो उसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं। तो उसको सूर्य की रोशनी से बचा के रखना है, क्योंकि इससे एक तो उनमें गंध परिवर्तन भी हो जाता है, और ये क्या करते हैं, दूसरे पदार्थों से गंध और स्वाद को अवशोषित कर लेते हैं, तो उससे भी इनको खुला नहीं रखना, बचा के रखना है। अंडे और डेयरी उत्पाद जो है उनको 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और मांस मछली या चिकन वगैरह को 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो स्टोर करने में यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि जहाँ पे भी इनका स्टोरेज किया जा रहा है वहाँ पे टेम्परेचर इतना ही हो। भंडारण में खाद्य गुणवत्ता का किस प्रकार से रख रखाव किया जाना चाहिए। अब आपने भंडारण करते समय ध्यान दिया है और भंडारण हो चुका है, तो अब बारी आती है कि अगर आपने भंडारण कर रखा है तो कैसे उसका वहाँ पे उसका टेक केयर किया जाना चाहिए जिससे उसकी गुणवत्ता खराब ना हो। ज़्यादा भारी सामान को किसी हल्के सामान के ऊपर ना रखें, क्योंकि जो बिस्किट है, नमकीन है, इनके खराब होने का खतरा रहता है अगर आपने उनके ऊपर कोई भारी सामान रख दिया होगा। तापमान और आर्द्रता का बहुत ध्यान रखना है, टेम्परेचर जिसके लिए जितना टेम्परेचर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही है, तो जिसके लिए जिस भी खाद्य पदार्थ के लिए जो टेम्परेचर सुटेबल है, जिस जो कि उनके मूल रूप को खराब ना करे, नष्ट ना हो, वह टेम्परेचर होना अत्यंत आवश्यक है। एंजाइमेटिक और ऑक्सीडेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनसे बचाना भी आवश्यक है, ये फल सब्जियों को खराब कर देती हैं। और दूध और दूध उत्पादों को सूर्य की रोशनी से बचा के रखना है, और चींटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं या अन्य कोई कीट पतंगे हैं उनसे अनाज को बचा के रखना है, क्योंकि ये उसको खराब कर देंगे। बात करते हैं लागत अवधारणा। लागत किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे सामग्री की लागत, कर्मचारियों की लागत, ऊपरी लागत। सामग्री लागत में आपके जो जो सामान, जो आपकी सामग्री बनाने में जो आपकी लागत लगी, अर्थात जो आप रॉ मटेरियल लाए और जो भी उसको बनाने में आपका जो भी चीज़ यूज़ हुआ, ऑयल यूज़ हुआ, मसाले यूज़ हुए, तो उन सब का आपको सामग्री की लागत होती है। कर्मचारियों की लागत अर्थात जो वर्कर्स आपने रखे हैं उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कर्मचारियों की लागत होती है। ऊपरी लागत में जैसे उस जगह अगर रेंटेड है तो रेंट है, इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल, साफ सफाई, इस प्रकार से जो अतिरिक्त लागतें हैं इनको ऊपरी लागत कहते हैं। अब लागत नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि अगर लागत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि आपका लाभ कम हो जाएगा। तो इसका एक ही रास्ता है कि लागत को कम से कम किया जा सके, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। लेकिन क्या घटक हैं, क्या पॉइंट्स हैं जिनसे हम लागत को कम कर सकते हैं, जैसे किस किस प्रकार से किया जा सकता है, लाइक कि किस जब आप खरीद कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, तो उतना ही खरीदें जितना कि उपयोग में लाया जा सके।
चाहे आपको दोबारा जाना पड़े मार्केट, दोबारा या फिर मंगवाना पड़े सामान, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को एकत्रित ना करें, क्योंकि इससे आपकी बर्बादी ही होगी, पैसा भी और सामान भी दोनों बर्बाद होंगे। और एक रेगुलर जांच की बहुत आवश्यकता है हर स्टेप में, कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है, कोई गलत किसी चीज़ का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, कोई अन्यथा कोई चीज़ वेस्ट तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से भी हम लागत को कम कर सकते हैं। और भंडारण में आजकल आप, जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत टेक्नोलॉजी का युग है, तो बहुत सारे उपकरण हैं जिनका उपयोग करके हम सामान को खराब होने से बचा सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, तो हमको उनका उपयोग भी करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके वर्कर्स हैं, उनका, जैसे आपने वर्कर्स रखे हुए हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग आपको अपनी इकाई में करना है, ये भी आपका बहुत बिंदु होता है बड़ा, जिससे कि आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा महंगा पदार्थ ना खरीदें, उसके जगह अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, उसे आप जो कम लागत का हो उसे खरीद के अगर आप काम चला सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो आप उस पदार्थ को खरीद लें। तो ये तो बात थी कि किस प्रकार से हम लागत को कम कर सकते हैं। अब आइए समझें जरा सकल लाभ अनुपात क्या होता है। सकल लाभ अनुपात यह वह आंकड़ा है जो श्रम लागत, ऊपरी लागत और स्थापना की शुद्ध लाभ की कुल राशि को बताता है। तो इस प्रकार से सकल लाभ क्या हुआ, सकल लाभ बराबर इक्वल्स टू कुल बिक्री माइनस खाद्य की लागत। ऑब्वियस है कि आपको प्रॉफिट क्या हुआ ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि आपका जो टोटल खर्चा, आपको जो कुल प्राप्त हुआ, आपको जो कुल पैसा आया, उसमें से आपका जो टोटल खर्चा लगा है, इंक्लूडिंग ऑल आपके एक्सपेंडिचर, जैसे कि हमने अभी बताया कि खाद्य में आपका क्या लगा, कर्मचारियों पे लगा, अन्य खर्चों पे, उन सब को ऐड करके जो आपकी लागत आई है उसको माइनस करेंगे, तब आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। लागत की अगर बात करें तो व्यंजन की लागत, मेन्यू लागत, आयोजन लागत, व्यंजन की लागत अर्थात भोजन की वास्तविक लागत, कि हमको भोजन बनाने में कितना कितना लगा खर्चा, ये हुआ आपका अपना खर्चा। और मेन्यू लागत, आपको कितना वापस मिला आपकी टोटल कमाई। उसके बाद आयोजन लागत, आयोजन लागत में होता है जैसे कोई पार्टी वगैरह है, तो इस प्रकार से उन पे किस प्रकार कितनी लागत आएगी, उसमें आप डबल पैसा भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डेकोरेशन होता है, एक्स्ट्रा सफाई होती है, एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाए जाते हैं, तो उसमें आप अधिक पैसे भी लेते हैं। श्रम नियंत्रण लागत, श्रम नियंत्रण लागत होती है कि कर्मचारियों, खान पान उद्योग में भोजन के खर्चे के बाद श्रम या कर्मचारियों का खर्च सबसे बड़ा होता है। तो जैसे आपने कर्मचारियों का बीमा करा रखा है, या उनको अन्य कोई हेल्थ फैसिलिटीज दी हैं, पेंशन है उनकी, ड्रेसेस हैं, उनको रहने का अगर जगह दिया हो, तो ये सब श्रम नियंत्रण लागत होती है। ओवरहेड नियंत्रण में, ओवरहेड नियंत्रण में ये होती है जो डायरेक्ट तो फूड प्रिपरेशन में नहीं होती है, जैसे किराया है, दर है, किराया दर है, या फिर कोई ईंधन है, सफाई सामग्री है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको, जो डायरेक्ट तो अटैच नहीं होते हैं लेकिन आपके खर्चे को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं मूल्य निर्धारण विधि। दो प्रकार से मूल्य निर्धारित की जा सकती है, एक तो लागत जोड़ विधि है, दूसरी होती है वापसी मूल्य निर्धारण की दर। ये भी आपके इसी से एसोसिएटेड है, लागत जोड़ विधि और वापसी मूल्य निर्धारण की दर। इसके बाद इस इकाई में आप पढ़ेंगे लेखा जोखा, लेखांकन और अन्य लेखांकन और लेखा जोखा, अकाउंट्स, इससे रिलेटेड पुस्तकों की, पुस्तक किस प्रकार की और कितने कितने प्रकार की पुस्तकें होती हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस इकाई में हम उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, ये क्योंकि मैं पहले भी उस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। तो यह इकाई हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और अब हम इकाई 7 को पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।